नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहला यह कि इस साल बागेश्वर धाम में टोकन कब और कैसे मिलेगा, और दूसरा यह कि बागेश्वर धाम का ऑफिशियल टेलीफोन नंबर क्या है। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि बागेश्वर धाम से जुड़ी सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी के लिए सही जानकारी देने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो आप सभी का भी ये फर्ज है कि इस चैनल पर जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दीजिए। तो मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम में अभी हाल ही में जुलाई एवं अगस्त के टोकन बांटे जा चुके हैं। इसी को लेकर बहुत सारे भक्तों के मन में कई सवाल और चिंता बनी रहती है। तो मित्रों, अगर आप भी जुलाई एवं अगस्त महीने के टोकन नहीं ले पाए हैं तो घबराइए नहीं। अभी हाल ही में आई ऑफिशियल अपडेट के अनुसार बागेश्वर धाम में टोकन सितंबर के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह अर्थात 18-19 सितंबर से टोकन मिलना प्रारंभ हो सकते हैं। तो बागेश्वर धाम में टोकन लेने के लिए आपको एक पर्ची में अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपना निजी निवास स्थान, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी लिखनी पड़ती है। इसी पर्ची में के आधार पर आपको टोकन मिलता है, इसलिए इसमें आपको अपनी सभी जानकारी बिल्कुल सही देनी है, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए नंबर पर ही फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपका टोकन मिल गया है और आपको इस दिन आकर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिल सकते हैं और इस प्रकार आपको टोकन प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, यदि आपकी पर्ची वहां निकलती है तो बागेश्वर धाम की कमेटी द्वारा आपको मोबाइल नंबर के द्वारा सूचित कर दिया जाता है कि आपका नंबर आ गया है और इस दिन आपको धाम पर आकर महाराज जी से अपने प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे। और अंत में एक प्रश्न और आता है जो लगभग सभी भक्तों के मन में होता है कि क्या बागेश्वर धाम में टोकन लेने के लिए पैसे लगते हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी से ये बात बता देना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम में आपको टोकन लेने के लिए एक भी रुपए नहीं देने पड़ते, क्योंकि बागेश्वर धाम की टोकन सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ तक कि बागेश्वर धाम का संचालन करने वाले परम पूज्य महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं कहते हैं कि जब तक वे हैं तब तक किसी भी भक्त से पैसे नहीं लिए जाएंगे, और यदि कोई टोकन के लिए पैसे मांगता है तो आप सभी उसके बहकावे में ना आए तथा बागेश्वर धाम के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके उसकी शिकायत अवश्य करें। मित्रों, अब बात आती है जो लगभग सभी भक्तों के मन में होता है कि बागेश्वर धाम का ऑफिशियल मोबाइल नंबर क्या है, और यह प्रश्न मेरे बहुत से सब्सक्राइबरों ने भी पूछा था कि बागेश्वर धाम का ऑफिशियल फ़ोन नंबर क्या है। तो मित्रों, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो मोबाइल नंबर दूंगा। मित्रों, इस समय स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं वही बागेश्वर धाम के ऑफिशियल नंबर हैं, जो बिल्कुल सही है। आप में से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि फ़ोन लगाने पर जल्दी बात नहीं हो पाती या घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको फ़ोन सुबह या फिर दोपहर में लगा सकते हैं। अगर इस टाइम पर फ़ोन लगाएंगे तो आपकी बात आसानी से हो सकती है। और मित्रों, मैं आपको अगर अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो यह है कि आप सभी धैर्यपूर्वक दिए गए मोबाइल नंबर पर समय समय पर बात करके टोकन वितरण की डेट पता करते रहिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो डेट बताई है वह कंफर्म नहीं है, अभी संभावित है, यह डेट आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो, अपडेट लेते रहिएगा, जिससे आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। थैंक यू।